नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आज मैं आपको आपातकाल के बारे में बताऊंगा। भारत में तीन प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं और जो भारत में आपातकाल का स्रोत है वो क्या है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और एक इसमें से वित्तीय आपातकाल जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर मैं इसमें बात करूँ तो भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 352 से 360 तक बताया गया है। अगर हम इसके भाग करें तो पहला क्या आएगा, पहला आएगा राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा आएगा राष्ट्रपति शासन, अगर इस तीसरे की बात करें तो आता है वित्तीय आपातकाल। अगर मैं राष्ट्रीय आपातकाल की बात करूं तो ये कब लगता है, अगर भारत में बाह्य आक्रमण का खतरा हो या फिर आंतरिक अशांति या फिर सशस्त्र विद्रोह की बात हो तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। वो भी कब लगता है, जब मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सिफारिश किया जाता है राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति इसकी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अगर इसके अनुच्छेद की बात करूं तो ये 352 में दिया गया है, ठीक है। और जब इसका जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें मूल संविधान में इसमें क्या था, आंतरिक विद्रोह की बात कही गई थी, आंतरिक आंतरिक अशांति आंतरिक अशांति की बात की गई थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में तत्कालीन सरकार ने इसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया था, इसका नाम चेंज कर दिया था। तो क्या कर दिया था, इसको कर दिया था सशस्त्र विद्रोह कर दिया। किससे किया था, 44वां संविधान संशोधन 1968 में कर दिया गया था। अगर मैं इसको पहली बार बात करूं कि इसकी जो इसका प्रयोग हुआ था पहली बार कब हुआ था, तो इसका जो पहली बार प्रयोग हुआ था इंडिया चाइना वॉर हुआ था 1962 में जब हुआ था। उसके बाद दूसरी बार कब हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग हुआ था, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और उसके बाद तीसरी बार हुआ था 1975 में, जो कि एक आंतरिक अशांति के तौर पर हुआ था, ठीक है। तो इसमें कितनी बार हुआ है, तीन बार हुआ है। पहला कब हुआ था, पहला पहला हुआ 1962 में इंडिया चाइना वॉर। अगर दूसरा बात करूं तो दूसरा हुआ था 1971 में, ये हुआ था इंडिया पाक वॉर। उसके बाद अगर तीसरी बार बात करो तो ये 1975 में हुआ था, कब हुआ था, 25 जून 1975 को। और ये क्यों हुआ था, ये हुआ था आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति, ठीक। तो अभी तक जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसका सिर्फ तीन बार प्रयोग हुआ, 1962, 1971 और 1975 में हुआ था। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये कब लगता है, जब संबंधित राज्य में राष्ट्रपति को ये लगे कि जो वहाँ पे लोकतांत्रिक तंत्र है वो विफल हो गया है, तो उस आधार पर लगता है। और ये सबसे पहली बार कब लगा था, ये सबसे पहली बार लगा था सर्वप्रथम ये पंजाब में लगा था, ठीक है। और अगर मैं वित्तीय आपातकाल की बात करूं तो वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है। और ये कब लगता है, जब राष्ट्रपति को ये लगे कि भारत में जो वित्तीय शाख है उसकी स्थिति खतरे में है, तो उस स्थिति में ये लगता है। और ये अनुच्छेद 360 कहता है ये, ठीक है। और ये अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है, ठीक है।
अगर हम बाहर आगे आपातकाल की स्थिति में जो हमें हमारे अधिकार है, जो हमारे मूल अधिकार है, अगर हम उसकी बात करें तो भारत में क्या इसमें क्या है कि जो अनुच्छेद 358 और 359 क्या कहता है कि जब आपातकाल की स्थिति लागू, अगर अब हम आगे की बात करें तो हम देखेंगे कि आपातकाल की स्थिति में हमारे मौलिक अधिकार किस तरीके से कार्य करते हैं। अगर मैं अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 की बात करूं तो ये कैसे कार्य करते हैं। 358 क्या कहता है कि केवल अनुच्छेद जो 19 मतलब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो भी 6 मौलिक अधिकार आते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। कैसे, इसमें क्या है, 19A में क्या है, बोलने की आज़ादी है। अगर 19B की बात करें तो शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। 19C की बात करें तो ये क्या कहता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। और 19D की बात करें तो देश के किसी भी क्षेत्र में आगमन की स्वतंत्रता। और 19E की बात करें तो देश के किसी भी क्षेत्र में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और यहीं अगर 19G की बात करें तो कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता देता है। अगर अगर हम ये अनुच्छेद 359 की बात करें तो ये क्या कहता है कि जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, जैसे हमारे समता का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है, ऐसे हमारे 6 अधिकार हैं, तो ये क्या कहता है, सारे के सारे निष्क्रिय हो जाते हैं सिवाय 2 के। वो कौन से हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 क्या कहता है, दोष सिद्धि से संरक्षण है। जैसे किसी अगर कोई दोषी पाया गया है तो उसे जो उस समय कानून है उसी के तहत उसे सजा दी जाएगी, और एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें तो ये क्या कहता है, जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है कि पानी की व्यवस्था करना, जैसे स्वच्छ सांस लेने की व्यवस्था करना, मतलब जितने भी जीवन से संबंधित है जो हमारे जीवन को स्वच्छ बनाती है या फिर जिससे हमें जीवन को खतरा कम होता है, उन चीज़ों को इसमें लिया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि जो ये भी मतलब आपातकाल के दौरान जो भी राष्ट्रपति के शक्तियां होती हैं या फिर जिस तरीके से वो शासन चलाता है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जिसे वर्दाइमर संविधान भी कहते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा जो ये प्रोसेस है आपातकाल का वो कार्य करता है आपातकाल के दौरान। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।